उनसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा जो संविधान को बदलने की बात करते। तू इधर उधर की बात न कर, ये काफिला क्यों लुटा? क्योंकि तेरा चोर और लुटेरों से तपास था, वो चुनकर आ जाते हैं, आप पर जुल्म होता है, 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज में सारी देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, वो झूठे वादे करते हैं, 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, 2 रुपया भी अकाउंट में नहीं आता है, जितना बड़ा झूठा हुआ। मीडिया जो यहाँ का हराम खोर है, जो मनुवादी मीडिया है, वो तुम्हारी एक बात को लोगों तक नहीं पहुँचाएगा। लेकिन यदि यहाँ किसी मनुवादी का कुत्ता मर जाता है तो उसकी आवाज पहुंचाएगा, भैंस खो जाती है तो भैंस की आवाज पहुंचाएगा, कोई बिल्ली खो जाती है तो बिल्ली की आवाज पहुंचाएगा। मंत्री जी की बिल्ली खो गई है, उसको तुरंत पता लगाया जाए और तुरंत बिल्ली को पकड़ के घर पे ले आएंगे। भैंस खो जाती है लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं है। अभी सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकोगे तब तक ऐसे ही जुल्म होता रहेगा। सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी। और 2024 के लिए आप संकल्प कर लो, जातिवाद का बिल एक लाओ कि कोई भी आदमी जाति नहीं लिखेगा, कोई भी शर्मा नहीं लिखेगा, कोई भी पांडे नहीं लिखेगा। लेकिन ये लाएंगे नहीं। विरोध किया तो वहां पर गोलियां चलने लगी। हमारे सर में 172 टांके हैं लेकिन हमने उसका बदला। 1975 में भंते बना, 46 वर्ष से लगातार जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से मैं ढेर सारे आंदोलन देख चुका हूँ। देवली, शाडूपुर, बेलछी, विश्रामपुर, बाजितपुर, अल्मोड़ा, तमाम देश के आंदोलन चले। लेकिन ये जुल्म क्यों होता है, जातिवाद का व्यवहार क्यों होता है, हमारे बच्चों को क्यों मारा जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों होता है, इसका कारण कभी आपने सोचा? तुम कितने भी नारे लगाते रहना, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान बहुत अच्छा है लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो मेरे लिए ये 2 कौड़ी का है। आज आप बता दें हमारे, क्या नाम है आपका? डीसी कपिल साहब, मैं आपको बता दूं, ये नारे लगाने का वक्त तो है लेकिन मैं एक बात बता दूं, जुल्म कहां से होता है? मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, दलित पर जुल्म हो रहा है, बैकवर्ड पर जुल्म हो रहा है, ओबीसी पर जुल्म हो रहा है, आदिवासियों की बहन बेटियों की अस्मितें लूटी जा रही हैं और उनको निर्दोष और बेगुनाहों को नक्सलाइट बना के मारा जा रहा है और मुसलमानों को देशद्रोही और तमाम तरह के उन पे आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। जब कोई व्यवस्था बदलती है, जब किसी देश में परिवर्तन आता है तो सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। तुम क्या करोगे? आरएसएस के लोगों ने सारे देश की व्यवस्था पर काबू कर लिया है। आपको बता दूं, 3 तरह से 4 तरह से यह देश चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया जो यहाँ का हराम खोर है, जो मनुवादी मीडिया है, वो तुम्हारी एक बात को लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि यहाँ किसी मनुवादी का कुत्ता मर जाता है तो उसकी आवाज पहुंचाएगा, भैंस खो जाती है तो भैंस की आवाज पहुंचाएगा, कोई बिल्ली खो जाती है तो बिल्ली की आवाज पहुंचाएगा। मंत्री जी की बिल्ली खो गई है, उसको तुरंत पता लगाया जाए और तुरंत बिल्ली को पकड़ के घर पे ले आएंगे। भैंस खो जाती है लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं है, हमारा कोई भी न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका में आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है, विधायिका में पूरे के पूरे लोग वो बैठे हैं। इस विधायिका को बनाने वाले कौन है? इस विधायिका को बनाने वाले ओबीसी के लोग हैं, इस विधायिका को बनाने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इस विधायिका को बनाने वाले एससी और एसटी के लोग हैं। जब तक आप यहाँ की सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकोगे तब तक ऐसे ही जुल्म होता रहेगा। सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी। और 2024 के लिए आप संकल्प कर लो, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका बैकलॉग पूरा किया जाएगा, आपके बच्चों को अच्छी जगह एडमिशन मिलेंगे। इन्होंने बच्चों की फीस को 20 गुना कर दिया है।
गरीब बच्चा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। जेएनयू से जो बच्चे तैयार होते थे, जो हायर वहां 200 गुना वहां पर फीस कर दी है, वो जेएनयू को खत्म करने का इन्होंने संकल्प लिया है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खत्म करने का संकल्प लिया है, लेकिन बीएचयू को खत्म ये नहीं करेंगे, अन्य चीजों को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा पर पूरा का पूरा कब्जा मनुवादियों का है, और जब तक आप इनको उखाड़ नहीं फेंकोगे तब तक यहाँ पर जुल्म होता रहेगा। जुल्म की उम्र कम नहीं हो सकती। जुल्म कहां से आया? जुल्म जाति में से आया। जब तक जाति रहेगी तब तक यहाँ जुल्म रहेगा। जुल्म की उम्र कम नहीं होती। वक्ते जिहाद है सभी रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है सभी रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस्त का नहीं, बुलावा सर फरोशों का हुआ है आज फिर, है मैदान जानदारों का मरिए इसका नहीं। तुमको बलिदान देने की जरूरत है, तुमको आहुति देने की जरूरत है, तुमको कुर्बान होने की जरूरत है। जब तक ये समाज 12 बच्चे कुर्बान हुए तो इन्होंने SC ST एक्ट को वापस लिया। यहाँ पर रोजाना बदलाव होते हैं विधानों में, विधान में हमारा संशोधन किया जा रहा है, संविधान में रोज संशोधन किया जा रहा है, लेकिन एक बिल ऐसा भी ले आओ कि जातिवाद का विरोध किया जाता है। जातिवाद का बिल एक लाओ कि कोई भी आदमी जाति नहीं लिखेगा, कोई भी शर्मा नहीं लिखेगा, कोई भी पांडे नहीं लिखेगा, लेकिन ये लाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें इनकी मौज मस्ती है, उसमें इनका कल्याण है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जब तक ये व्यवस्था बीजेपी की रहेगी, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, RS के लोग हावी हो गए, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, इंद्र मेघवाल को पानी पीते पे कत्ल कर दिया जाता है, अनेकों बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है। जब मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ता था, मैं कोई सीधा साधा भंते नहीं बन गया हूँ, जुल्म को सहते सहते यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको बता दूं, जब मैं पढ़ता था हाथरस के MG पॉलिटेक्निक में, तो वहां पर ढेर सारे सवर्ण लोग, मनुवादी लोग थे। वहां पर एक नियम था, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग बाद में खाना खाएंगे, पहले ब्राह्मण ठाकुर बनिया खाएंगे, और जब बाद में बचता था तो उसमें नमक मिला देते थे, उसमें बालू मिला देते थे, फिर हम देखते थे। हमने कहा, एक लड़के से हमारा साथी था, हमने कहा ऐसे जुल्म कब तक होता रहेगा, हमने उसका विरोध किया। विरोध किया तो वहां पर गोलियां चलने लगी, हमारे सर में 172 टांके हैं, लेकिन हमने उसका बदला गोली का जवाब गोली से दिया। हमारी तरफ एक मर गया, उधर दो मर गए, हमने कहा फैसला हो गया, उसके बाद जुल्म नहीं हुआ। हमने कहा मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा, मैं जीवन में प्रोफेशन नहीं बनूंगा, मैं जीवन में IAS नहीं बनूंगा, मैं अपने उन लोगों को जगाने का काम करूंगा जो लोग भूखे नंगे लोग हैं, जिन पर जुल्म होता है। मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा, मैं स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा। ये बेईमान लोग 135-140 लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन एक भी रिजर्व सीट से जाता है, एक भी नहीं बोलता है। ये पार्टी के एजेंडा पर बोलते हैं, रिजर्व सीट से जाते हैं। रिजर्व सीट इसलिए होती है कि जो लोगों पर, दलित शोषित पीड़ित लोगों पर, आदिवासियों पर जुल्म होता है, उसकी आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे। ये 2024 में आए, इनका घुटन ना खींच लेना, इनकी चड्डी उतार लेना, इनके कपड़े फाड़ देना, इनको अपने बीच में मत आने देना। मैं कहना चाहता हूँ ऋतु बहन, तुमको मिलेगा इंसाफ, हम लोग आपके साथ हैं, समाज आपके साथ है, देखते हैं कैसे। ये केवल अभी तो यहाँ हुआ है प्रदर्शन, पूरे देश के कोने कोने में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, झारखंड में होगा, हरियाणा में होगा, पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, हर जगह ये आंदोलन होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग नौजवानों से मैं रियाज लेता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये काफिला क्यों लुटा, क्योंकि तेरा चोर और लुटेरों से था वास्ता, मुझे उनसे कोई गिला नहीं, मुझे दुख है तेरी धोखेबाजी पर, तेरे फरेब पर, तेरी गुंडागिरी पर, तेरे तमाम तरह के तेरी गुनाहों पर। कहने का मतलब यह है कि हम लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं, वो चुनकर आ जाते हैं, आप पर जुल्म होता है, 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज में सारी देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, वो झूठे वादे करते हैं, 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, 2 रुपया भी अकाउंट में नहीं आता है। जितना बड़ा झूठा और जितना बड़ा झूठ बोलने वाले ये लोग हैं, उतना और कोई नहीं। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम बहनों को, तमाम नौजवानों को,
तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जब तक हैं ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। एक लड़ाई और है कि संविधान को बचाओ तो भारत बचेगा, संविधान को बचाओ मुसलमान बचेगा, संविधान को बचाओ ये देश बचेगा, संविधान को बचाओ तो दलित बचेगा। आप संविधान को बचाए रखना, ये दूसरा हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये देश किसी की बपौती जारी जारी नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बौद्धों का और जैनों का है, ये देश कोई हिंदुओं का नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र बना तो ये देश को तोड़ने का काम सबसे पहले वो लोग करेंगे जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो संविधान के बदलने की बात बनारस में बैठकर जो बाबा लोग और तमाम शंकराचार्य कर रहे हैं उनको तुरंत जेल के सिंकियों में ठोक दिया जाए, उनसे बड़ा देशद्रोही क्यों कौन होगा जो संविधान को बदलने की बात करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों से आप सब लोगों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे आंदोलित होते रहें और अपने आप से बैकवर्ड को जोड़ना, शेड्यूल कास्ट को जोड़ना, मुसलमानों को जोड़ना, अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ना। जब तक तुम तीनों एक नहीं हो गए, कभी सोचना मत तुम पर जुल्म होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, तुम्हारे मासूम बच्चों के कत्ल होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, जय भारत नमो बुद्धाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।